ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज 15 जुलाई है। प्यारे बाबा, आज शुद्ध वैष्णव किसे कहते हैं उसके बारे में आज समझा रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ये तुम ही सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्ची वैष्णव भोजन की, सच्ची वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। जो सच्चे वैष्णव हैं वो भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए, गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? अनीता बहन, कौन सा गुण अवगुण ऐसा है जो गुण में बदल जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा? ममता माता जी, अच्छाइयों में परिवर्तन कर ले तो। हाँ जी, बहुत अच्छा। और ममता माता जी, हम बाबा से अंदर वहाँ सच्चा रहे तो अच्छी गुण आ जाएगी, गुण परिवर्तन हो जाएगा, अवगुण निकल जाएंगे। कौन सा एक ऐसा अवगुण है जो गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा? अपवित्रता को छोड़ पवित्रता। बिल्कुल, बहुत अच्छा। पीछे नीलम माता जी, पवित्रता और पवित्रता का, ठीक है। और ज्योति माता जी, फुला माता जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अगर ये हमारा अच्छाइयों में बदल जाए तो बेड़ा पार। पांचों विकार बदल जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। और सोमा माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी बाबा से सुनते हैं, बाबा क्या कहते हैं। सबसे बड़ा अवगुण है मोह।
सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण बाबा कहते हैं, मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। इसमें मिसाल किसका देते हैं? जास्ती मोह किसमें होता है? बच्चों में होता है। बाबा एक मिसाल देता है, किसका मिसाल देता है? बंदरी का, है ना? बिल्कुल, बंदरी का मिसाल। बाबा कहते हैं मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो बारह मास तक उसे याद करते रहते हैं। पूरा साल भर उसको याद करते रहेंगे। हाँ, फिर और गहराई बताई बाबा ने, ना सामने नहीं रोते। बाबा कहते मुंह ढक कर रोते रहेंगे। मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए बाबा कहते ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो, तो हाँ जी, बाबा कहते ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। है ना, अवगुण है ना मोह, बहुत बड़ा। और वो ही अगर परिवर्तन हो जाए बाप के साथ तो गुण बन जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। अभी आवाज आ रहा है सभी को? ठीक है। बाबा ने कहा जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य।
शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, आज एक और नई चीज बाबा ऐड करता है, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। बाबा कहते सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। दूसरा क्या समझेंगे? सतगुरु और टीचर और क्योंकि ऑफिशियलनेस भी बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग में डर रहता है ना, भक्ति मार्ग में डर रहता है ना, उस चीज का, किस चीज का डर रहता है कि ये भगवान है। तो मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने कारण टीचर भी हैं, राजयोग सिखलाएंगे। बाबा कहते राजयोग सिखलाते हैं, ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं, वे सबका बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तो बाप ही नहीं, केवल वो दूसरे भी समझाना है ना, ये बाप टीचर सतगुरु। और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है, पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, वे हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा की भी रचना है, किसकी? ब्रह्मा भी रचना है किसकी? बाबा कहते ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो टीचर भी सिद्ध हुआ है ना। ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो अभी संगम युग है, एम ऑब्जेक्ट भी है राजयोग की, हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो क्या कह रहा टीचर है ना। बाबा कहते तो टीचर भी सिद्ध हो, और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया। आप सभी ने जास्ती योग कर दिया, आवाज की डिस्टर्बेंस तो नहीं है आप सभी के लिए? बारिश हो गई है शुरू इसका। तो बाबा ने कहा तो टीचर भी सिद्ध हुआ, और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाबा ने कहा यहां बैठे यह पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है, यह अंदर धारणा होनी चाहिए, यह तो जानते हैं।
कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम होती है। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है। पद भी ऊंच होता है, परहेज भी बाबा बदलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो, वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, वैष्णव के लिए कहते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, विकार में तो गए ना। सच्चा वैष्णव शुद्ध वैष्णव तो नहीं कहेंगे ना। बाबा कहते बाकी खाने का वैष्णव बना तो उसमें क्या हुआ। वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमो गुणी चीजें नहीं खाते हैं। वैष्णव बन जाते हैं, प्याज भी नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो तमो गुणी चीजें क्या क्या होती हैं। कई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। सन्यासियों को क्या कहेंगे, पवित्र आत्मा, और जो दान करते हैं पुण्य आत्मा। पुण्य कहेंगे, पवित्र नहीं कहेंगे, क्योंकि वो विकार में जाते हैं। सन्यासी घर बार छोड़कर चले जाते हैं पवित्र रहने के लिए, सबको पवित्र आत्मा कहेंगे। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। कहते हैं जी गर्मों का लेप छेप आत्मा के ऊपर नहीं चढ़ता, शरीर के ऊपर चढ़ता है। शरीर को फिर गंगा में डुबोते हैं, फिर कहते हैं पवित्र हो गए। परंतु बाबा यहाँ हमें क्या समझाता है कि जो आत्मा के ऊपर कर्मों का लेप छेप है वो आत्मा पर चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी बाबा कहते साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध कर बतलाते हैं, झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती। जा सकती है, नहीं जा सकती। पेड़ बन सकती है, पेड़ तो जड़ है ना। तो बाबा कहते शास्त्रों में सोमा माता जी अपना माइक ऑफ करो। तो बाबा कहते शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं, इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। कहते हैं ना, फिर क्या हुआ, जब ऐसे इंद्र की सभा में चला गया था असुर, ऐसे कोई विकारी मनुष्य, तो क्या हुआ, पता लग गया तो इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। परी के लिए भी कहते हैं, परी जो ले आई उसको तो उसको भी क्या किया, पत्थर बना दिया, अर्थात पत्थर बुद्धि बन गए। तो अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम।
शांति धाम और सुख धाम है, पवित्र धाम। यह तो समझते हो ना, सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थे, उच्च पद वाले थे। अभी तो गाते हैं, क्या गाते हैं, क्या गाते होंगे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। तो है भी ऐसे, कोई गुरु नहीं, कोई गुण नहीं है। मनुष्य में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद सताती है, बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं, पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक कर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा पार हो जाए। बाबा कितनी वंडरफुल बात युक्ति बता रहा है, ऐसे मुंह ढक कर तुम बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा, कितनी प्राप्ति भी होगी उससे। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाप युक्तियां बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो, पोता मेल देखते हैं आज इतना खर्चा हुआ इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं। कोई मास मास निकालते हैं, कोई हर मास निकालते हैं, कोई 12 मास के बाद निकालता है, कोई हर रोज निकालता है। यहाँ तो वह यह बहुत जरूरी है, बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहती है तो बच्चे सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, कदम अरब खरब भाग्यशाली हो। तो कितना भाग्यशाली बना दिया, पहले कहा तुम सौभाग्यशाली, फिर तुम हजार सौभाग्यशाली, फिर करोड़, फिर कदम, फिर अरब, फिर खरब भाग्यशाली। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वे जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे। जो अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वो बाप को अच्छी तरह याद करते हैं। वही गुलाब के फूल बने थे, यह तो अट्टे बाबा कहते नक्शल में समझाना होता है, नक्शल में शॉर्ट में सार में विस्तार में चाहिए, सार में चाहिए। बनना तो खुशबूदार फूल, बाबा कहते बनना तो खुशबूदार फूल है ना, मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है, लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। लौकिक बाप ऐसे कभी पूछेगा या कभी कहेगा कि मुझे याद करो या पूछेगा बच्चों से कि मुझे याद करते हो कि नहीं करते हो, नहीं। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, जरूरत नहीं पड़ती याद दिलाने की। यह तो लॉ है, कायदा है, यहाँ पूछना पड़ता है, कोई माया बुला देती है। बाबा कहते हैं यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया बुला देती है। यहाँ आते हैं समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए, इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो, है ना। इसलिए बाबा अक्सर कहते हैं कि प्रदर्शनी की चिट्स आपके साथ हो,
आपके पॉकेट में हो, कोई भी आए तो उसको दिखाकर समझा सकते हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो, पहले पहले बाप की महिमा शुरू करो। यह हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाप है, सर्व का सतगति दाता है, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकाल दर्शी बन जाते हैं। त्रिकाल दर्शी है ना, त्रिलोकी नाथ हुआ, त्रिनेत्री है, तीनों कालों को जानने वाला, आदि मध्य अंत। यह त्रिकाल दर्शी बन क्या करेंगे भगवान, त्रिकाल दर्शी बनकर क्या करेंगे, उनके अंदर तो ऑटोमेटिकली है ही है। तो त्रिकालदर्शी तो हमें बनाते हैं ना वो, क्योंकि हमें जरूरत है अभी त्रिकालदर्शी, क्योंकि भूले हम थे। बाबा कहते त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है, ये त्रिकालदर्शी बनकर क्या करेंगे। तुम बनते हो और बनाते हो, बाकी लक्ष्मी नारायण को क्या दरकार है त्रिकालदर्शी बनने की, वहां ना वो खुद बनेंगे ना दूसरों को बनाएंगे, क्योंकि सभी क्या है सुखी है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो बाबा कहती इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता है, होता तो परंपरा चलता, वो तो खत्म ना होता। जब ज्ञान होता है तो बुढ़ापे तक चलता है ना, तो यहाँ पे भी अगर लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो आज तक तो वो चलता, पर तो आज तो देखो मनुष्य कितना मूर्खति मनुष्य हो गया है, बुद्धिहीन हो गया है, जैसे बाबा ने कहा कल चूचा चूचा बन गया, धुंधकारी बन गया है, आंखें होते हुए भी तीसरी आंख का पता ही नहीं है। अभी बाबा ने हमें आके तीसरी आंख दी है, इसलिए बाबा कहते बीच में तो विनाश हो जाता है, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंचते ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है, तुम याद नहीं करते हो, दे अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। क्या करती है माया, थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। क्या होगा, 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो विनाश की भी तैयारी होगी। मैं विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो, है वंडरफुल बात। वो विनाश की तैयारी कर रहे हैं साइंस वाले, और आप अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगी है। बाबा यहाँ यथार्थ बताता है हम कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई हुई तो कौरवों और यादवों। यादव किसको कहते हैं, तो साइंस दानी है। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई, बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, कब हुआ, पहले सिंध हैदराबाद में 1936 में स्टार्ट हुआ, फिर 1947 में वर्ल्ड वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया। तो जब तुम्हारा जन्म हुआ तब पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान ऐसा नहीं था,
अब देखो दोनों अलग अलग हो गया। तो बाबा कहते वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब पाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियां बहती हैं, तब फिर उसके बाद क्या होगा? पहले बहेंगी रक्त की नदियां, फिर कहते हैं बाबा कहते फिर घी की नदियां बहे नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर तो नहीं तो लड़ाई करेंगे, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे। यहाँ से पास करो यह हमारा रास्ता है, यहाँ से पास ना करो यह हमारा रास्ता है। आज की लड़ाई लगेगी। अब वह क्या करें, स्टीमर कैसे चल जाएंगे? स्टीमर वो बोट्स जिसको बड़े बड़े जहाज बोलते हैं। फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे कि हाँ जी अगर तुम्हें इस रास्ते से जाना है तो पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं फिर राय जरूर पूछते होंगे। पदक की उम्मीद मिली होगी वे आपस में ही खत्म कर देंगे। डिस्टर्बेंस हो रहा है सभी को आवाज से? ठीक है। अभी बाबा कहते मदद की उम्मीद मिली होगी वे आपस में ही खत्म कर देंगे। यहां फिर सिविल वॉर की ड्रामा में नोज है। सिविल वॉर किसको कहेंगे? जी यार लड़ाइयां लगेंगे। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोज है। बाबा ने कहा है ना एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर और नेचुरल कैलेमिटीज, इन तीन चीजों से विनाश होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो सबको लक्षण सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि विनाश की सीन सबको नजर आ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। कोई बुद्धि से, कोई कैसे चल रहा है। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहां से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ, है ना। मधुबन में आए, मधुबन में भर के गए और घर गए तो खल्लास, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है, इसलिए निर्बंधन होकर जाओ। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने, गाते भी है ना भोले नाथ भरते झोली, कहते हैं ना। तो भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली। वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। और बाबा ने हमें कितना यथार्थ समझाया है कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा तो हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की।
कहती तुम बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। जो जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा जिसमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं। मात पिता कंबाइंड है, पर बड़ी मम्मा कौन है? जी बाबा, वो तो बाप है। मात पिता कहते हैं ब्रह्मा बाबा, है ना? तो माँ बड़ी मम्मा है ना, ये मम्मा है। हाँ, ब्राह्मण परिवार के है ना, तो दोनों कंबाइंड है, शिव बाबा बाप और ब्रह्मा माँ, दोनों कंबाइंड है। कितनी गुप्त बातें हैं, जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको एडॉप्ट किया। तो ये मम्मा की बात है, जगदम्बा सरस्वती, उनको एडॉप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र कौन है? ब्रह्मा बाबा। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं, बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं। उनको तो बाबा कहते, उनको तो किसी को याद करना नहीं है, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, क्या कहते होंगे, हम दोनों बच्चों को देखते हैं। किसको देखते हैं? बाबा कहते हम दोनों बच्चों को देखते हैं। तुम आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूं। ब्रह्मा बाबा कहते बाप के साथ रहता तो हूं ना, उनका बच्चा हूं तो साथ में देखता हूं, मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं। ब्रह्मा बाबा कहते कि मैं विश्व का मालिक बनकर अपने आप को देखता हूं और घूमता हूं, जैसे कि मैं ही यह करता हूं। मैं दृष्टि देता हूं, देह सहित सब कुछ भूलता होता हूं। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते, तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ कर, जास्ती ज्यादा से ज्यादा खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं, घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले जरूर पदवी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करती हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका नाम, इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसको भी नहीं सुनो, केवल मुझे याद करो। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो तो वह आपे ही ठंडा हो जाएगा, युक्ति है। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उस उन पर फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बोलो तुम अपकार करते हो, तिरस्कार करते हो, हम आदर करते हैं, उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं, सब मुझे गाली देते रहते हैं, मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं, मैं तो सबका उपकारी हूँ।
तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, हम भी अपकारी थे। अपकारी थे ना, भगवान को कण कण में कह देते थे, अब उपकारी बन गए। अभी क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हो ना। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि भगवान मिलेगा और विश्व का मालिक बनाएगा। तो बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। यह नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना, तो बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं, चक्र फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगे, कौन? देवी देवताएं जो आदि में आएंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहां से आएंगी? द्वापर से। कहां से आएंगी? द्वापर से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। सोचे कि हाँ जी हम पार्ट से छूट जाए, नहीं, लास्ट में भी आएंगे, लास्ट तक आती रहेंगी, छूट कोई नहीं सकता। तो बाबा कहती यह चक्र फिरता रहता है, आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो, सबको सुख दो। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है, वह यात्रा तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं यह है रूहानी यात्रा। बाबा अक्सर कहते हैं सीढ़ी पे चढ़ना और उतरना, ये बाबा कहते क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? हाँ, इसको कहेंगे रूहानी यात्रा। बाबा कहते उतरने पाप आत्मा बनते रहते हैं, तो इसको बाप कहते हैं ये है रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्यु लोक से लौटना नहीं, इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है, फिर कहाँ आएंगे? सुख धाम में आएंगे ना, तो मृत्यु लोक में आएंगे नहीं कभी, आएंगे ना, कब आएंगे? त्रेता मृत्यु लोक मृत्यु तो सतयुग में भी होगी, पर मृत्यु अक्षर नहीं होगा वहां। हाँ, तो कब होगा? द्वापर से होगा। उस यात्रा से लौट कर आती हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। सोचते हैं वहां सुख मिला, फिर दुख में आ जाएंगे, फिर जाएंगे फिर दुख में आ जाएंगे। पर यहां ये रूहानी यात्रा करेंगे तो वापस इस दुखा धाम में नहीं आएंगे, सतयुग में पाठ मिलेगा। दुख धाम में तो बाद में आएंगे ना, काफी जन्मों के बाद, 21 जन्म भोगने के बाद। दुनिया, बाबा कहते तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था फिर होगा, ये चक्र फिरना है, दुनिया एक ही है। बाकी बाबा कहते स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं, कहते ना वो स्टार में, जी वो देखो फलाना तुम्हारा दादाजी है ना, पूछते हैं ना बच्चे मम्मा दादाजी कहाँ गए, कहते बेटा वो देखो तुम्हें देख रहे हैं ऊपर तारा बन गए हैं वो। तो बाबा कहते बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया नहीं है। बाप आकर देखने के लिए कितना ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। कितना करते रहते हैं ना, खोज करते रहते हैं मून पे जाने के लिए। तो बाबा कहते खूब इसको तो बाबा कहते
माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा, ये सब साइंस ऊपर जाएगी फिर क्या होगा, मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं, खोज भी रहे हैं तो विनाश के लिए साधन भी बना रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं, कोई प्रेरक है, खुद कहते हैं वर्ल्ड वॉर जरूर होनी है, यह वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे, खुदा के बच्चे तो हो ही, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। आज टाइटल दिया बाबा ने, हम कौन है, भगवान भगवती। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं, सरस्वती का नाम है राधे का नाम नहीं है, कलश में लक्ष्मी को दिखाते हैं यह भी भूल कर दी है, सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह तो तुम ही हो, देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा है, पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य दो बिंदु है, पहला है जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है, कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। दूसरा है सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। समझ आए क्या कहा बाबा ने धारणा में, अपकारियों पर भी उपकार करना है, फॉलो करना है फादर को, फिर कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, क्या करना है मुस्कुराते रहना, एक बाप से ही सुनना है। फिर कहा कि सुखदाई मन सबको सुख देना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, सदा अपनी झोली किससे भरनी है, ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा, आज व्रत रखना सभी, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले, शुद्ध संकल्प का, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव, क्योंकि वृत्ति परिवर्तन हो गई, व्यवहार परिवर्तन हो गया तो भगवान के दिल तख्त पर तो विराजमान हो ही जाएंगे। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं, जिसके संकल्प में भी पवित्रता या अमर्यादा आ जाती है वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो, वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त।
शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तो। स्लोगन है, जहां सर्व शक्तियां साथ हैं, जहां सर्व शक्तियां साथ हैं, वहां निर्विघ्न सफलता है ही। सफलता निर्विघ्न है, बिना विघ्न से है, ऑटोमेटिकली सफलता है वहां पर। कहां पर? जहां सर्व शक्तियां हैं। अच्छा, ओम शक्ति।